श्री मुक्तसर साहिब विखे वड्डी वारदात सामने आई है। दिन दिहाड़े श्री मुक्तसर साहिब के गुणियाना रोड से दो मोटरसाइकिलों उत्ते आए करीब पांच नौजवानों ने मोड़ के उत्ते खड़े नौजवान शाम लाल उर्फ शामा से गोलियां चला दित्तियां। इस घटना के दौरान शाम लाल और उसका एक साथी कक्कू गंभीर रूप के जख्मी हो गए हैं, जिन्हों को स्थानक सरकारी हस्पताल के भर्ती करवाया गया, जिन्हों के शाम लाल की मौत हो गई है। जिला पुलिस मुखी चरणजीत सिंह ने घटना की सूचना मिलदिया ही मौके उत्ते पहुंच इस पूरे मामले की कार्रवाई शुरू की है। यह मामला गैंग वारदात दसिया जा रहा है। जो व्यक्ति मारिया गया है उसके पांच के करीब परचे हैं। पुलिस बारीकी के नाल मामले की जांच कर रही है। अलविंदर सिंह। अलविंदर जी, की घटना क्यों हुई है? घटना ये चौंकी जो किसी मुंडे का समझौता राजीनामा कोई करा के वापस आ रही थी, एक नाल दोस्ती पिरत पर भोला, जो ये आके इतने चौंक छड़ गए गल्ला बातें गल पे उत्थे इन्हों किसी ने फील्डिंग लाई हुई, चार पाँच जने से पाँच जने से दो मोटरसाइकिल से, जो ने दो जने ने पिस्टल कढ़िया तो शाम ने गल कढ़ी, शाम ने पिस्टल वे के शामा भज गया। नाल ही चौंक के एक दुकान आ, तो उन्होंने घर भी है बिच खाना जहाँ बनाते हैं, तो उन्होंने घर वड़ गया। एक तो भजे जाते पिछू टूई गोली बजी, बाकी अंदर पता नहीं किनिया गोलियां बजियां, तो बहर आया तो बहर वह भरा जो भज के आया कुकू शाम जरा भी लग से गोली बजी हुई है। पहले कोई आपसी रंजिश तो नहीं? ये तो जी उन्होंने हमें पता नहीं कौन चला गया, क्योंकि दो साल पहले चमकौर दी हुई है जी, ये नाल हर किस बार शामा चमकौर कट्ठे रेंदे सी ग्रुप वाइज, तो पहले दो साल पहले चमकौर दी हुई, हजे तक पता नहीं लग गया जो चमकौर की पहले डेथ हुई थी। हाँ जी, हजे कोई नहीं कहते कार्रवाई करते, कार्रवाई करते जी। कोई शक है जी? शक तो है पर सामने नहीं कैमरे कह सकते, वो पुलिस चली जाती उस शक पर। मेरा नाम जी प्रीतपाल सिंह। घटना जी इदा ही, मेरा फ्रेंड से नाल, मैं शामा अं चौंकी चो आ रहे थे, जब चौंकी चो असं आए हैं वापस, तो चौंक च खड़े से गोनियाना रोड चौंक दे विच, बाइक सवार आए पांच छह लड़के आए जी, उन्होंने अनुसार फायरिंग करती है जी, कोई गल नहीं की, कोई बात नहीं की किसी ने, तो शामा दौड़ गया जी अपने जिधर शामे का मकान बनाया जी नवा, शामा उधर दौड़ गया जी, वो पिछे चल गया जी दौड़ के, जद नूं पिछे गए इन्होंने फायर मारती पिछों, तो नाल ही एक लागे मकान बनाया जी, मकान के उपरली साइड चढ़ के ना जी पौड़ियाँ चढ़ के उत्थे ही डैथ हो गई शामे। नहीं नहीं मैं किसी नहीं जानता जी, किसी नहीं जानता मैं, मेरे ख्याल दो मोटरसाइकिल से जी, पांच छह जने मुंडे से, फायर मेरे ख्याल होने कोई चाली पताली फायर किए होने, उन्होंने एक वो ब्रदर के बजे मेरे ख्याल लत्त च। हाँ जी, वो जख्मी है इतने एडमिट है जी, वह कुकू है जी बड़ा ब्रदर, पक्का आनंद नहीं पता कुकू ही कहते, पता नहीं लगे जी इदा का जी। हाँ जी, जिहड़ा ये व्यक्ति है शाम लाल उर्फ शामा पुत्र कस्तूरी लाल, ये गोनियाना रोड एक नंबर गली का यह रहने वाला सी, इसका जिहड़ा पिछोकड़ है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इहदी पांच मुकदमे इहदे ते दर्ज ने, इन्हां दा आपसी जिहड़ा हैगा ग्रुपिज़म चलदी सी, गैंगवार दा यह मसला है, इहदा कज़न जिहड़ा चमकौरा पहला उहदा भी जो मैं पता कीता वह कतल होया सी, इन्हें आपने एक कोई दलीप नाँ के व्यक्ति का कतल किया, जिदे च 20 साल की इन सज़ा हुई सी, इस तरीके बैकग्राउंड जिहड़ा है वह क्रिमिनल है, तो अज की जिहड़ी ये वारदात है सानू वाइटल क्लूज मिले हैं, असी जल्दी जिहड़े हैगे है दोषी उन्होंने काबू कर लांगे। सर शाम लाल दे जिहड़ी गोलियां वज्जियां उहदी डाटा या लाइव है जी? फिलहाल जो उन्होंने लेके गए थे वह अजे अलाइव सी मेरे ख्याल दे विच, क्योंकि वाइटल पार्ट्स उहदे गोली लगी है, तो शायद वो डैथ हो गई है, वो कन्फर्म कर लेने जी। सर कोई होर भी जख्मी है जी? नहीं अजे तक कोई इदा की कोई गल सामने नहीं है। सर पता लगे जे हथियारे कितों आए थे? ये सारी ये इनवैसटीगेशन का पार्ट है, अजे प्रीलिमिनरी इनक्वायरी जी है वह यही पता लग रहा है कि ये जी गैंगवार का मसला। सत श्रीकाल, प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो यूट्यूब पर।